बिहार में बोचहा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को अपने 40 नेताओं की लिस्ट दी है, जिसमें पहले नंबर पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल हैं। लिस्ट में सबसे खास बात यह है कि सूची में एक ही नेता का नाम दो बार दर्ज है। इस तरह से लिस्ट को 40 नाम देकर भरा गया है। सूची में 12वें और 30वें नंबर पर एक ही नेता का नाम दर्ज है। वहीं कद्दावर नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को 9वें स्थान पर जगह दी गई है। इनके पहले लिस्ट में मंगल पांडे का नाम दर्ज है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की तरफ से चुनाव आयोग को स्टार प्रचारकों की लिस्ट भेजी गई है। पहले नंबर पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहीं दूसरे नंबर पर बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, जबकि तीसरे नंबर पर प्रभारी हरीश द्विवेदी का नाम है। तारकिशोर प्रसाद चौथे नंबर पर तो रेणु देवी को 5वें नंबर पर जगह दी गई है। सुशील मोदी को 6ठे स्थान, नित्यानंद राय को 7वां, मंगल पांडे को 8वां और गिरिराज सिंह को 9वें पायदान पर रखा गया है। जानकार बताते हैं कि गिरिराज सिंह इस समाज से आते हैं, उस समाज का वोटर बोचहा विधानसभा में क्षेत्र में काफी है। भूमियार वोट बोचहा में निर्णायक है। गिरिराज सिंह उस समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। इसके बाद भी भाजपा नेतृत्व ने गिरिराज सिंह को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 9वें स्थान पर जगह दी है। वहीं स्टार प्रचारकों की सूची में 12वें नंबर पर राधा मोहन सिंह का नाम है, वहीं 30वें नंबर पर भी राधा मोहन सिंह का ही नाम दर्ज है। एक ही नेता को दो जगह पर नाम दर्ज किए जाने पर चर्चा शुरू हो गई है। क्या बीजेपी को 40 नाम नहीं मिले? लिस्ट पूरा करने के लिए एक ही नेता का नाम दो बार दर्ज कराना पड़ा। भाजपा स्टार प्रचारक की लिस्ट में इन नेताओं के अलावे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रेम कुमार, राधा मोहन सिंह, नंदकिशोर यादव, अश्वनी कुमार चौबे, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, भीखू भाई दलसनिया, शहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूड़ी, जनक चमार, सम्राट चौधरी, रामसूरत कुमार, अजय निषाद, डॉक्टर संजय पासवान, राजकुमार सिंह, विवेक ठाकुर, गोपाल नारायण सिंह, ओम प्रकाश यादव, राजेंद्र गुप्ता, मिथिलेश तिवारी, राधा मोहन सिंह, प्रमोद चंद्रवंशी, पिंकी कुशवाहा, नीतीश मिश्रा, राजेश वर्मा, सिद्धार्थ शंभू, देवेश कुमार, संजीव चौरसिया, सुशील चौधरी, निवेदिता सिंह और लांजवती झा शामिल है। जिस तरह से बीजेपी ने बोचहा उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की फौज उतारी है, उसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी इस सीट को जीतने को लेकर कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। 2020 चुनाव में वीआईपी के हिस्से में गए बोचहा विधानसभा उपचुनाव जीतना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहां पार्टी के उम्मीदवार बेबी कुमारी का मुकाबला दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे और राजद कैंडिडेट अमर पासवान से है।